नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह की बज रहे आज आप देख रहे हैं जाग उठा भारत और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। मेरे साथ प्रगति भी मौजूद है। इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं उस जीत की जिसे मनाने का मौका दिया है भारतीय टीम ने। जी हां, बड़ी जीत और बड़ा खिताब टीम इंडिया ने जीता है। और बड़ी खबर आपको बता दें, और ये जीत इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि लंबा इंतजार करना पड़ा है और इसके बाद T20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत के नाम हुआ है। तो T20 वर्ल्ड कप जीता है भारत ने और फाइनल में देखिए बड़ी ये जीत इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि एक लंबा इंतजार करना पड़ा है। आंखें तरस गई थी इस वर्ल्ड कप के लिए। इसके बाद जबरदस्त पारी खेलते हुए साउथ अफ्रीका को भारत ने 7 रनों से मात दी और वर्ल्ड कप पर कब्जा किया है। भले ही ये मैच देखिए बारबाडोस में खेला गया हो लेकिन इसका जश्न जो है पूरे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और भारतीय प्रेमियों में यानी खास करके जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके अंदर जबरदस्त जोश। और देखिए ये जश्न की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जश्न इसलिए खास हो जाता है क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये हारा हुआ मैच जब शुरुआत मैच की हुई थी और जिस तरीके से एक के बाद एक विकेट गिरे इसके बाद फैंस को ये लगा ये जो मैच है वो हाथ से निकल गया। लेकिन विराट कोहली ने जिस तरीके से इस मैच को संभाला है इसके बाद ये बड़ा मौका जीत का बन जाता है और ये जश्न की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो एक खास मोमेंट मैच के दौरान यानी कि जीत के बाद निकल कर सामने आए हैं। भारतीय क्रिकेटर जब जीतते हैं इसके बाद किस तरीके से वो इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि यकीन करना मुश्किल था कि क्या वाकई में ये मैच हम जीत जाएंगे। एक के बाद एक पावर प्ले में जो विकेट गिर जाते हैं इसके बाद क्रिकेट प्रेमियों में मायूसी जो है वो जरूर देखने को मिलती है लेकिन ये जीत बड़ी और खास हो जाती है। बिल्कुल, और इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, दिल्ली से कोमल, जयपुर से अमरदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं, जम्मू से गुरसिमरन जुड़े हुए हैं और भोपाल से सत्य विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली का मैं रुख करना चाहूंगी। कोमल, आपके पास ही आते हैं। देखिए एक लंबा इंतजार और 2011 के बाद जीत आखिरकार मिल गई है। कई मोमेंट्स ऐसे रहे जहां पर विराट कोहली का बल्ला चलते हुए हमने देखा। पहले मैचेस की बात करें तो विराट कोहली से कहीं कहीं डिसअपॉइंटमेंट लोगों को मिल रही थी लेकिन आखिरकार उन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई देखिए हमने फाइनल के लिए बचा रखा था। लोगों का क्या कुछ कहना है, कितना अच्छा। बिल्कुल, देखिए 17 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप का खिताब जो है इंडिया ने अपने नाम तो लिखवा लिया है लेकिन कल रात से जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे आतिशबाजी हो रही थी, बच्चों से लेकर के बुजुर्ग जो है काफी ज्यादा उत्साहित है और क्या कहेंगे, जीत हासिल हो गई। इंडिया की जीत का मतलब है हमारी बांछें खिल गई, हमारी खुशियों का कोई सराबोर नहीं रहा। एक 14 साल के लंबे अंतराल के बाद जब हमारा ये जीत दिखी तो लगता है जीवन में बहुत कुछ मिल गया। चाहे हमें खेलना का प्रेरणा नहीं है लेकिन जो खेलने का मजा और जो हमारे एक्स कैप्टन रोहित शर्मा ने जो काम किया। यहाँ पे तस्वीरें दिखाएंगे, यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं ये सारे बुजुर्ग हैं और चूंकि देखिए इंडिया ने जीत हासिल की और उसके बाद यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। पहली बात तो जीत की और जो हमारे विराट कोहली जो अब तक निगेटिव चल रहे थे वो आ गए, बहुत बेहतरीन उन्होंने करके, बहुत बेहतरीन काम करके उन्होंने इंडिया को जीत दिलवाई है, वो अतुलनीय है। इंडिया के लिए और क्या कहना चाहेंगे, इंडियन टीम को बधाई देंगे, कैसे बधाई टीम को बहुत बहुत बधाई देंगे, साथ में आगे फ्यूचर में भी ऐसे ही काम के उनसे आशा करेंगे कि यही सारे काम ऐसे करते रहे, ऐसे ही जीत दिलाते रहे भारत को। मैं पहले तो भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई और स्पेशली विराट कोहली और को जो कि इतने अंतराल के बाद 11 साल के अंतराल के बाद उन्होंने ये मुकाम तक पहुंचे। तस्वीरें दिखाइए, देखिए रात में तो उत्साह था, आतिशबाजी हो रही थी लेकिन देखिए सुबह भी उत्साह में कोई कमी नहीं है। ठीक है कोमल, आपके पास वापस लौटेंगे लेकिन एक बार फिर अमरदीप के पास चलते हैं। अमरदीप, क्योंकि देखिए होली दिवाली हो एक ही साथ फैंस जो है वो आज मना रहे हैं, ऐसे में किस तरीके का उत्साह फैंस में।